हिंदू धर्म की लगभग सभी कथाएं रहस्यमय रही हैं। इनमें से एक है रामायण। रामायण के सभी पात्र बहुचर्चित हैं तथा भगवान राम के जीवन पे 125 रामायण लिखे जा चुके हैं। कई कथाएं आज भी रहस्य हैं और कई विद्वान उस पर खोज कर रहे हैं। रामायण के सभी रहस्यमय कथाओं में से एक रहस्य है माँ सीता का जन्म। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में माँ सीता के जन्म को लेकर उन्होंने बताया है कि जनक कहते हैं, जब मैं खेतों में हल चला रहा था तो एक जगह पे हल किसी वस्तु से टकरा गई। देखा तो एक सोने के घड़े में एक छोटी सी कन्या थी, जिसको राजा जनक ने अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उनका नाम सीता रखा। ऐसा कहते हैं, जनकपुरी में एक बार अकाल पड़ी थी। काफी दिनों से वर्षा नहीं हो रही थी। सभी किसान काफी परेशान थे। तभी आकाशवाणी होती है, जब राजा जनक अपनी पत्नी के साथ हल चलाएंगे तभी जनकपुरी में वर्षा होगी। इसी कार्य को पूर्ण करने के लिए राजा जनक और उनकी पत्नी हल चलाने के लिए खेतों में गए और तभी उनको माँ सीता की प्राप्ति हुई। तो वहीं दूसरी विख्यात कथा जो अद्भुत रामायण नामक पुस्तक में लिखी है, यह पुस्तक 14वीं शताब्दी में लिखी गई है, जो कि महर्षि वाल्मीकि व भारद्वाज दो विद्वान ऋषियों के मध्य का वार्तालाप है, जिसके अनुसार एक बार दंडकारण्य में एक मित्स्मत नामक ब्राह्मण रहता है, जो कि लक्ष्मी को अपने पुत्री रूप में पाने की इच्छा से हर दिन एक कलश में कुश के आगे की भाग से मंत्र के साथ दूध की बूंद डाला करता था। एक दिन ब्राह्मण की अनुपस्थिति में रावण वहां पहुंचे और ऋषियों के रक्त को उसी कलश में डाल दिया और उस कलश को लंका ले जाकर मंदोदरी को देते हुए कहा, यह बहुत ही तीव्र विष है, अच्छे से संभाल कर रखना। उसके बाद रावण विहार करने पर्वत पर चले गए। रावण के व्यवहार और अत्याचारों से दुखी होकर मंदोदरी ने आत्महत्या की इच्छा से उस कलश के रक्त को पी लिया और अनजाने में गर्भवती हो गई और इस बात को छुपाने की मनसा से तीर्थ यात्रा के बहाने भारत आ गई तथा यात्रा के समय अपना गर्भ निकालकर भूमि में दफना दिया। इसके बाद मंदोदरी सरस्वती नदी में स्नान कर लंका वापस लौट गई। उसके कुछ समय बाद राजा जनक को माँ सीता पृथ्वी से प्राप्त हुई। रावण के कथन अनुसार रावण ने कहा था, जब कभी अनजाने में भी मैं मेरी पुत्री पे बुरी दृष्टि डालूंगा, वही मेरे नाश का कारण होगा। मंदोदरी की गर्भ से जन्म लेने के कारण माँ सीता और रावण के बीच पिता और पुत्री का संबंध हुआ और सीता माता रावण के नाश का कारण बनी।